इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, फिर भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का यदि लास्ट आर्टिकल भी देखें, वह है आर्टिकल नंबर 395। ऐसा कैसे होता है? चलिए देखते हैं अलॉट टू नो अलॉट टू डिस्कस, और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं फूड फॉर ब्रेन। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोच के बारे में जानेंगे, सोर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वह समझ लेते हैं। देखिए, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था, तब इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। पर यह तो था 1949 की बात। तब से लेकर अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 103 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हैं उनके ओरिजिनल नंबर को मेंटेन करने के लिए जो भी नए अमेंडमेंट्स आते हैं, जो भी नए लॉस आते हैं, उन्हें अल्फाबेट के तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे 86 अमेंडमेंट को देखिए, 86 अमेंडमेंट में हमें एक नया फंडामेंटल राइट दिया गया था। यह राइट टू एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था एज आर्टिकल 21A। इतने सारे अमेंडमेंट होने के बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आर्टिकल है वह है आर्टिकल 395। इसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और शेड्यूल हैं, यह क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज बनाया गया है। जैसे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। यही जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, इसे कहते हैं पार्ट्स। पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, पार्ट 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी की। हर पार्ट स्पेसिफिक आर्टिकल्स की बात करता है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल। आर्टिकल में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, इसके जो भी एडिशनल डिटेल्स हैं या जो भी लिस्ट है, या इसे लिस्ट किया जाता है, इसे ही कहा जाता है शेड्यूल, या एज अ इसे शेड्यूल किया जाता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स को कैसे इन्वॉल्व किया है, वैसे ही हमने शेड्यूल को भी क्यों नहीं इंक्लूड किया आर्टिकल्स में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए क्योंकि वह ऑलरेडी इतना लेंथी है, इतना बड़ा है कि इसे ऐड कर देते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। और सिंप्लिसिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स में डिवाइड करके बनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक टोटल 124 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, जिनमें कि अभी तक 103 अमेंडमेंट एक्ट पास किए गए हैं। सबसे लेटेस्ट है 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जिससे 2019 में पास किया गया था। वह बात करता है कि EWS के मतलब जो जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके लिए जो प्रोविजन है वह है कॉन्स्टिट्यूशन में 15 से 16 क्लास 6 के रूप में है। यह तो ही करंट सिचुएशन की बात। अब चलते हैं 1946-1947 में, जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे में पहली बार बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किए थे। तब हमने मेन सोर्सेस लिए थे 11 सोर्सेस, जो कि 11 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा जताया गया था। सारे सोर्सेस को हम एक एक करके देखेंगे और यह भी देखेंगे कि किस किस सोर्सेस से कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वह फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले जो लॉ ऑफ द लैंड था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। वह बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट था, एक बहुत ही अच्छा सोर्स था। इसके जरिए हमने ढेर सारी चीज़ें ली हैं, जिनमें से तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने ली हैं। वह है पहला, एमरजेंसी प्रोविज़न, दूसरा है
पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा है ज्यूडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है हमने इसी से लिया है। इसके अलावा फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट और ऑफिस ऑफ गवर्नर भी इसी से लिया गया है। सेकेंड सोर्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ली है वह है फंडामेंटल राइट्स और ज्यूडिशियली रिव्यू। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यूडिशियल हमने लिया है हमारे गवर्नमेंट एक्ट 1935 से और ज्यूडिशियल रिव्यू लिए हैं यूएसए से। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट को रिमूव करने का प्रोविज़न भी है, हमने इन्हीं से लिया है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने का तरीका, जिससे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहा जाता है, हाल में ही यह सब आपने सुना होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उन पर बहुत सारे आरोप लगे थे, तब उन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाया गया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ओके, इसके अलावा हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, थर्ड सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं, जैसे रिट्स, जो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिमेडिटीज होते हैं, इसके लिए प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, मतलब 226 में। इसके अलावा जो प्रोविजन लिए गए हैं जिनमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आइडियाज ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और लिया गया है रूल ऑफ द लॉ। नेक्स्ट सोर्स आता है आयरिस या आयरलैंड, यहां से जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली है वह है DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर लिखा है कि किस टाइप की पॉलिसी बनानी चाहिए, किस टाइप से लोगों को राज्य के लिए, एक अच्छे राज्य के लिए हम तैयार कर सकते हैं। इसके साथ हमने लिया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और राज्यसभा में मेंबर्स के नॉमिनेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट आता है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली गई है वो है इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड हो जाना, हमें यहीं से मिलता है, जो कि आता है हमारे आर्टिकल 356 में। इसके बाद है साउथ अफ्रीका, यहां से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट आता है सोवियत यूनियन या USSR, यहां से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि एक तरह से मोरल ड्यूटीज होती हैं। इसके साथ हमने लिया है द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अवर प्रियम्बल आल्सो। नेक्स्ट आता है कनाडा, देखिए इंडिया में दो गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल और स्टेट, जिसमें ज्यादा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यह जो स्ट्रक्चर है हमने लिया है फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहां से लिया हमने, कनाडा से। उसके बाद नेक्स्ट यहां से हमने लिया है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और एक चीज ली है यहां से वह है सेंटर अपॉइंटमेंट्स द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट, मतलब कि राज्य में गवर्नर को अपॉइंटमेंट करेगा, वह मेन पावर होगा सेंटर के पास, मतलब जितना भी पावर है गवर्नमेंट को अपॉइंट करने का स्टेट में, वो होगा मेन पावर सेंट्रल के पास। ओके, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, जहां से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है जो कि है 7th Schedule में। इसके अलावा हमने लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और एक चीज ली है जो कि पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेटिंग का जो प्रोविजन है वह हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है फ्रांस, फ्रांस से हमने लिया है द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड द रिपब्लिक। यह जो चारों पॉइंट्स हैं यह आपको मिल जाएंगे हमारे प्रियम्बल में। लास्ट है जापान, जापान से हमने प्रोविजर एस्टेब्लिश्ड बॉय लॉ लिया है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, वी आर कवरिंग द ऑल द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गेट योर
knowledge and subscribe the channel and share others. At last but not the least, Shivan Rajput signing out.